टीईटी का उर्दू का पेपर 2013 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें से इकतेबास को हम पढ़ेंगे। शेख चिल्ली ऐसे शख्स को कहते हैं जो दूर दराज के मंसूबे बांधे, मतलब लंबे मंसूबे दूर के। ये एक फर्जी शख्स लोगों ने घड़े लिया है, इसको क्या कहते हैं, फर्जी शख्स। और इस किस्म की तमाम बातें जो दूर दराज कार मंसूबों और तजवीजों से ताल्लुक रखती है उसके नाम के साथ चिपका दी जाती है। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि शेख जी को एक शख्स ने मजदूरी पे लगाया, शेख जी को एक, हाँ मतलब शेख चिल्ली के तौर पर, एक टोकरी में शीशे के आलात भरकर उनको दिए कि फला जगह इस टोकरी को पहुंचा दो। शेख जी ने क्या किया, वो जो शेख चिल्ली थे उनको किसी ने क्या कहा था कि मजदूरी पे लगाए थे उनको, और एक टोकरी में शीशे के चीजें भरी हुई थी, उनको दिए कि फला जगह पर इस टोकरी को पहुंचा दो। शेख जी ने रास्ते में एक जगह टोकरे को अलग रखकर सोचना शुरू किया कि आज जो मजदूरी वसूल होंगी उससे एक मुर्गा और मुर्गी खरीदूंगा, मैं मुर्गे को अंडे पर बिठाऊंगा, इससे बहुत से बच्चे हासिल होंगे। जब बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी तो उनको बेचकर एक बकरी और एक बकरा खरीद लूंगा और उसकी नस्ल को बढ़ाऊंगा। बकरियों का गल्ला जब बढ़ जाएगा तो उसको फरोख करके गाय ले लूंगा। गाय की नस्ल इस उस उसी तरक्की तरह तरक्की करेंगी। गायों का गल्ला बेचकर भैंस लूंगा। जब बहुत सी भैंस हो जाएंगी तो उनकी तिजारत से अमीर और कबीर हो जाऊंगा। एक बड़े घराने में शादी करूंगा, बीवी ऐसी तलाश करूंगा जो हसीन हो, मैं उसको काबू में रखूंगा। अगर वो नाफरमानी करे तो कमर पर जोर से लात जड़ूंगा। शेख जी उस वक्त गुस्से में थे, ख्याली बीवी की जगह आपकी लात टोकरे पर पड़ी और तमाम शीशे चूर चूर हो गए। अच्छा तो उन्होंने क्या किया था कि ख्याली बीवी की जगह उन्होंने टोकरी को लात दे दी थी और उसके, हाँ, बोलते तमाम शीशे चूर चूर बोलते हो गए। तब देखिए, शेख चिल्ली किसे कहते हैं, ये सवाल है। झूठ बोलने वाला, तारीफ खुद करने वाला, दूर दराज के मंसूबे, तो थर्ड ये हो जाएगा। तो उसका थर्ड, उसके बाद में नेक्स्ट, शेख चिल्ली को कैसी बीवी की तलाश थी, हाँ, तो ये जैल भी थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है, जैल की जोड़ियों में से मुतजाद अल्फाज की सही जोड़ी बनाना है। अमीर कबीर, खरीद फरोख, हसीन जमील, दूर दराज, सही जोड़ी। उसका है सेकंड, खरीद फरोख, मुतजाद बताना था, मतलब अपोजिट। तब अमीर और कबीर दोनों एक जैसा ही, हसीन जमील दोनों ही दूर दराज। जुमला मुकम्मल करना है। अब बहुत सी भैंस हो जाएंगी तो उनको बेचकर बकरा और बकरी खरीदूंगा, उनकी तिजारत से अमीर कबीर हो जाऊंगा, मुर्गे को अंडे पर बिठाऊंगा, एक बड़े घराने में शादी करूंगा। ठीक है ठीक हाँ, तो इसका है सेकंड, उनकी तिजारत से अमीर कबीर हो जाऊंगा। जमाने को पहचानना है, जमाना। हम शाम को नदी के किनारे जाया करते थे, जमाने माजी एहतमामी, जमाने माजी तमन्नाई, जमाने माजी शर्तिया, जमाने माजी इस्तेमरानी, कौन सा है? फर्स्ट उसका है फोर्थ, इस्तेमरारी। इस्तेमरारी मतलब क्या होता है? हाँ तो इसका क्या है कि जमाने माजी इस्तेमरारी यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पहले जो काम मामूल के तौर पर होता था, जाया करना, ये सब, ये जमाने का है। यादगार गालिब, ये सवाने किसकी तसनीफ है? सरसैद अहमद खान, अल्ताफ हुसैन अली, मोहम्मद हुसैन आजाद, ख्वाजा गुलाम सैयदी। अल्ताफ उसका है सेकंड, सही जवाब, अल्ताफ हुसैन अली, राइट। नेक्स्ट है, उर्दू का पहला सफरनामा कौन सा था? फसाना है अजायब, अजायबात फरहंग, वादी नील में 20 दिन, गर्दे सफर। सेकेंड ना सेकेंड ना, उसका सेकंड है, हाँ बराबर, अजायबात फरहंग, सही जवाब। अबुल फाकर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की विलादत कब हुई? 15 अक्टूबर
अक्टूबर पंद्रह कब हुई? 15 अक्टूबर अक्टूबर। हाँ इसका है थर्ड राइट। 15 अक्टूबर 1931 भारत के मशायखीन ने क्रिकेट खिलाड़ी नवाब मंसूर अली खान पटौदी को किस खिताब से नवाजा था? सर टाइगर अर्जुन, मास्टर ब्लास्टर। हाँ टाइगर इसका सेकंड है टाइगर, सही जवाब। मतबख से क्या मुराद होता है? बाला खाना, दीवान खाना, जनान खाना या बावर्ची खाना? मतबख, खाना उसका फोर्थ बाबर, सही जवाब मतबख। हाँ तो बावर्ची खाना इसका सही जवाब। नेक्स्ट है हैंड रेस की आवाज आ आवाज। रही है ना हाँ आ रही है आवाज। जी? मुतरसलीन का वाहिद क्या होता है? हाँ सर इकल जो पढ़ा था, तरसील सर है या मुरसल है? सर उसका है सेकंड है, दोनों भी नहीं। मुतरसल ऐसा है, मुतरसलीन हाँ इस तरह। राइट हाँ सेकंड है। हाँ फिरकत की जिद क्या है? हाँ ऑप्शन जवाब दे सकते हैं। थ्री उसका है फोर्थ, फुरबत। फुरकत की जिद। हाँ फुरबत, फुरबत यानी करीब, फुरकत यानी दूर हो जाएगा। तो जू नूरैन किसे कहा जाता है? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर। चेक करेंगे उसका है थर्ड, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, जून नूरैन। और क्यों कहा जाता है जून? हाँ हाँ उनके पास उनकी लिखा में आप दो होती बेटियां। बराबर, दो बेटियां दी जाने की वजह से। और जुल्फिकार किसको कहा जाता था? जुल्फिकार यानी तलवार का नाम है सर तलवार का नाम। का। हाँ हाँ राइट। म्यूट कर देना जवाब देने के बाद, फिर उसके बाद अनम्यूट करके जवाब दे सकते। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतरी किसने कहा? हाँ अनम्यूट करके जवाब दे के फिर म्यूट कर सकते। टीपू सुल्तान। हाँ राइट, तो ये टीपू सुल्तान। अब देखते देखिए शेर की सनत, सनते जो है उसमें से दर्ज है शेर की सनत का नाम पहचान है। अदा की सुन्नते शब्बीर रजी अल्लाह ताला ने किसने यूं ज़बाने में गए कितने सलातीन, किसने समझा खून को पानी? ऑप्शन फर्स्ट तजाद आएंगे सर, खून और पानी। खून और पानी तजाद। तजाद और मुबालिगा किस वजह से कि बड़ा चढ़ा के बोल। और तलमी मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, इस्लामी, जिसमें इस्लामी पेश की गई हो। तो ये सुन्नत है शब्बीर जमाने में, मतलब थोड़ा इन्होंने कंफ्यूजन वाला दिया। लफ और नशर क्या होता है? लफ मतलब होता है कि जो लिपटा हुआ होता है पहले, और नशर मतलब फैला हुआ, पहले का दूसरे में आता है वो लफ और नशर में। तो अभी हम देखेंगे उसका है फर्स्ट तलमी है। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर आया है सुन्नत शब्बीर, किसने यूं जमाने अच्छा वो तारीख का बात की गई इसलिए। और डायरेक्टली फोन और ऐसा पानी होता हाँ तजाद डायरेक्ट वैसा नहीं आता, वो कैसे आता है? पर मैं ऊपर नीचे में आता है ज्यादातर, या दो लाइन में। और जो मुबालिगा जी में ये नहीं आता था। तो जी दर्ज ज़ैल ओके में सर। से किस लफ्ज के बाद दान लगा देने से बामानी लाहेका बन जाता है? गुलदान गुलदान, सेकंड गुलदान सर, गुलदान ऑप्शन सेकंड है, गुलदान। टू हाँ अपने जिंद देखे बुक ना में गलत भी रहते हैं। यार दान बोल हाँ सबको आराम से बात करना है। ज़ैल लंबा के मुहावरे का मतलब क्या है? हाशिया चढ़ाना, लकीर खींचना, नसीहत। फोन, ऑप्शन नंबर फोन।
बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना। और सही जवाब है, हाशिया चढ़ाना मतलब बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, सही है। रमूज औकाफ में ये जो सेमीकोलन टाइप का है ये निशान क्या कहलाता है? सकता वक्फा खत्मा राबता, वक्फा ये आपके बुक का भी सवाल ही आ गया है। वक्फा खत्मा है सर, हमने भी देखा खत्मा तो डायरेक्ट फुल स्टॉप को बोलते हैं। पुलिस को हाँ बोले सर खत्मा सत्ताएंगे सर हो। हाँ तो ये सेकंड है वक्फा। हाँ सत्ता क्या है? सॉरी कॉमा, वक्फा मतलब कॉमा जब आ जाए तो वो सत्ता रहता, जी वक्फा ये खत्मा। सर वक्फा और राबता क्या रहता है? कंजंक्शन वाला जो जोड़ता है, मतलब वो जो दो डॉट हो जाएंगे सेमी कोलन। ये सर सकते हैं। दो डॉट सही। खुदा हाँ, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी किस शहर में वाकई है? हाँ, नहीं पता। इसका है फोर्थ। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है पटना में, पटना। पटना में शेर को मुकम्मल करना है, तुम मेरे पास होते हो गोया। अब इसमें फिट करके देखना है, जब कोई नंबर दूसरा 3 हाँ आपका 3 और किसी का? हाँ, चौथा नंबर 3 है सर। और बाकी के तो देखते देखते। उसका थर्ड सही है, जब तुम मेरे पास होते हो गोया इस तरह, उसके मतलब से है कि जब कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, कि कोई नहीं होता तो तब ये गोया उसके साथ होता है। हाथ दिल से जुदा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया हाथ दिल से जुदा नहीं होता, ये फिट नहीं हो रहा है। रंज राहत तो फिजा नहीं होता, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। अब नेक्स्ट है वो सन पे सुखन जिसमें शायद किसी शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र करता है, उसे क्या कहते हैं? हुजू सेकंड नंबर आएंगे आपकी उसका है थर्ड। शहर आशु, आशुब बात आशुब आशु से शायद ऐसा याद रख लीजिए कि तबाही और बर्बादी का जहां पर जिक्र आता है शहर आशुब। इस तरह नसर की वो सनफ जिसमें शायर किसी शख्सियत के नकुश इस तरह उभारे जाए कि उसकी खूबी और खामियां उजागर हो जाए, और खारी के सामने एक जीती जागती तस्वीर आ जाती है, तो क्या कहलाती है वो? वो सनफ शख्सियत के नकुश खूबियां खामे उसमें उजागर हो जाएगा। खाका लग रहा है सर, फिर भी चेक करेंगे। हाँ, तो इसका फोर्थ खाका सही जवाब है। खाका यानी तस्वीर मुसविरी टाइप में, कि जिसमें तस्वीर आ जाना खारी के सामने, तो उसका एक स्ट्रक्चर खाका आ गया। नकुश इस तरह उभारे जाए कि उसकी खूबी और खामियां भी उजागर हो जाए। खुश दामन की तस्कीर को पहचानना है, तस्कीर किसकी बोले तो सर? अच्छा मुजक्किर। अच्छा खुश दामन है खाविंद हसर हमदुल। सेकंड काम तो बीवी हो गई है, काम से अब जुल्म हो गया, फर्स्ट टू फोर टू गर्ल्स। थर्ड हाँ, तो इसका सेकंड ज्यादा होता फर्स्ट है, यह थर्ड थर्ड बेहतर हो रहा है। खुश, हाँ खुसर इस तरह से हो रहा है, खुश दामन की तस्कीर खुसर इस तरह से। और जो अपोजिट वो में तो सब खाविंद होता है ऐसा रहता है वो, खुश दामन की तस्कीर। अब देखते देखिए शेर के दोनों मिसरों में रुकन फौलन की 8 बार तकरार से बनने वाली बहर। फर्स्ट भैरव में तरफ कारी मतमन सालम सेकेंड है हर जो मुस्लिम सारे हजरत सीट पे पर मुसम्मन सालिम है। ये बहरे मुतकारी बस मुसम्मे सालिम, ये बहरों के नाम है जिसको क्या कहते हैं? अस्तमाए बहूर। इससे पहले जो है तो इसका लेसन लिया हुआ है और यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, उसको देख लेना आपने।
बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको क्या कहेंगे, तख्ती, अशार की तख्ती के बेस पर, कि फाउलन फाइलिन यस सर, और इसी तरह से फाइलिन अलग अलग फाइल। तो इसमें हम देखेंगे इसको क्या कहते हैं। इसका फर्स्ट है सही जवाब कि बहरे मुतखारे पे मुसम्मिन सालिन इसका नाम है। तो ये तख्ती में पांच छह नाम है और उसके वजन उसमें देखे जाते हैं। 8 बार जब तकरार से बन जाए तो वो बहरे मुतखारे पे मुसम्मिन सालिन हो जाता है। तनकीद क्या है, किसकी तसनीफ है तनकीद? अल्लामा इकबाल, कुर्रतुल ऐन हैदराबाद, जमील जाबी, आल अहमद मसरूर। तो अल्लामा इकबाल इकबाल। और कोई जवाब? ये देखिए, साथ साथ में हमको उसके कुछ चीजें देखना है कि ये जो अभी आया था सवाल का जवाब, देखिए आराब में हमने जो देखा इससे पहले के जो दो चार चीजें गई है तो उसके ताल्लुक से हम देखेंगे बहर के बारे में, और ये तस्कीर के ताल्लुक से भी, तस्कीर और तानिस, अलिफ या होती है तो मुजक्कर होते हैं, तो ये इससे पहचानना होता है। जिसमें देखिए, खुसर का कुछ दामन था मौनस, ये वाला अगर ये आपने अटेंड किए होते तो ये जवाब आपको आसानी से आता, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। ये तस्कीर का हो गया। अब उसी सर तरह, इसकी पीडीएफ नहीं है सर, हाँ इंशाल्लाह भेज देंगे वो भी। जी पीडीएफ भेज दिया। जी अच्छा फिर उसी तरह से ये रमूज औकाफ की जो बात चढ़ रही थी, ये वक्फा वक्फा और ये राबता, ये इस तरह से आगे। आप दो डॉट। हाँ, और ऐसा आ गया तो तफसीला, ये हो गया उस तरह से। और कौन जी बाकी था अभी? ये जो उरुज है, जी उरुज वाला जो चल रहा है, ये देखिए, औजान बहर, अरकान बहर, और ये अस्माए बहुत, बहरे रजिस मुस्तफेलिन, बहरे हजज का कौन सा है मुफाइलिन अगर पूछता, बहरे कामिल मुतफाइलिन, और बहरे रमल फालन, और मुतखारिब का फौलन मुसम्मने सालिन, इस तरह से। अब आते इस सवाल की तरफ कि तनकीद का आपने क्या बताया, तनकीद के बारे में देखते हैं। इसका है फोर्थ वाला है, आल अहमद सुरोर, ये तसनीफ इसकी है तनकीद। अच्छा नेक्स्ट है, दर्ज ज़ैल में से कौन सा मुतबादिल ज़माने माजी की किस्म नहीं है, माजी करीब बई तमाम या माजी ना तमाम हो? भाई है भाई, हाँ तमाम ही उसका है थर्ड, तमाम इशारा तमाम। नहीं रहेगा, ये कंप्लीट हो गया था। तो माजी ना तमाम बईद और करीब है, लेकिन माजी तमाम नहीं। उसी तरह से अब इस नज़म का मुताला करना है और सवाल का जवाब देना है। करते हैं मुसाफिर को मोहब्बत से इशारे, है वादी गंगा तेरे शादाब नज़ारे, ये बिखरे हुए फूल, ये बिखरे हुए तारे, खुशबू से महकते हुए दरिया के किनारे, ये तारे हैं या नूर के पैमाने हैं रोशन, मासूम परी जादू के काशाने हैं रोशन, मस्ताना हवाओं पे परी खाने हैं रोशन, या दामन इफलाक में बेताब शरारे, साहिल है के खोब ख्वाब दीदा नजारों के शब सबिश्ता, फिरदौस की मस्ताना बहारों के शबिस्ता, दामन में लिए चांद सितारों के शबिस्ता, अख्तर की तमन्ना है यही रात गुजारे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मुसाफिर को मोहब्बत के इशारे कौन करता है? हाँ अच्छा ये शादाब नजारे, ख्वाब दीदा नजारे, बेताब, कौन सा रहेगा? तो हाँ तो फर्स्ट है, वो पहले पढ़ लेना होता है, दिमाग में रख लेना, तो शादाब नजारे। उसके बाद नेक्स्ट है कि तीसरे बंद में साहिल को किससे मिसाल दी है, तो आप देख लेंगे तीसरा बंद, तो बिखरे हुए तारे, बिखरे हुए से, तो बिखरे हुए तारे क्या थर्ड है? तो नहीं, उसका है फर्स्ट, ख्वाब दीदा नजारे, मिसाल पूछ रहा था। तो आप आप देखते फिर से,
था उसमें? तीसरा बंद। बंद बोर्डो सर ये वाला हाँ तो बंद मतलब कैसे रहेगा, ये एक बंद, दो बंद और ये तीन, तो देखो कंफ्यूज करना है, लाइन के हिसाब से कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जिसमें क्या आ रहा है उसका जवाब। ख्वाब नजारे दीदा नजारे, तीसरे बंद में साहिल को किससे मिसाल दी, तो साहिल भी ढूंढना है देखिए। तो साहिल है बंद क्या? देखिए कैसे हो रहा है, पहले पढ़िए, ये एक बंद ऐसा हो गया, मुझे चौथे में क्या आ रहा हूँ? चार बंद मतलब वो चार चार का एक लाइन का एक का बंद हो रहा है, ये एक बंद, एक ये दो बंद और ये तीसरे का पहला, इस तरह। बंद। तब साहिल है के ख्वाब दीदा नजारों के चबिस्ता, तो अब इसमें देखिए आप पहचानेंगे कैसे, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो आपको अगर बंद में कंफ्यूजन हो रहा है तो आपने सवाल को पहले अच्छे से देखना है, वो बोल रहा है कि साहिल को मिसाल किससे दी गई, तो वहां साहिल भी मिलना चाहिए, तो आपको जब समझ जाएगा। अब देखिए साहिल है के ख्वाब दीदा नजारों के चबिस्ता के, साहिल ख्वाब दीदा नजारों के चबिस्ता है, इस तरह से आ गया। नेक्स्ट है कि काशाने से क्या मुराद होता है, छोटे घर तमन्ना उसको सो कलमा प्याला ही हवेली, तब हम पढ़ेंगे उसको काशाने कहाँ पर आया, काशाने मासूम परिजादों के काशाने है रोशन, ये तारे हैं या नूर के पैमाने है रोशन, मासूम परिजादों के काशाने है रोशन, तो परिजादों के काशाने, तो अब क्या हो सकता है, परिजादों के घर तमन्ना उसको सो कलमा प्याला या हवेली, प्याला रोशन, छोटे छोटे हवेली तो नहीं, तो देखते उसका, उसको फर्स्ट है छोटे छोटे घर काशाने, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आप, और पढ़ते उसको, ये तारे हैं ये नूर के पैमाने रोशन और मासूम परिजादों के काशाने है रोशन, तो उसको छोटे घर क्योंकि मासूम परिजाद कह दिया गया, तो इस तरह से रोशन। उसके बाद में नेक्स्ट है सवाल, जैल के मुतबादिल से सही वाहिद जमा की जोड़ी को पहचानना है, इत्तेहाद इत्तेफाक वाहिद और जमा की जोड़ी, ऑप्शन हल्का अतराफ या पल का अफलाक, नंबर तीन और ये नहीं है फोर्थ, फाइव पल का अफलाक, अच्छा हाँ टुकड़े का अपने पास क्वेश्चन है कि वाहिद, टुकड़े का ऐसे जवाब तो हल आ रही, पट्टी बढ़ रही है सामने। देने के बाद म्यूट करके रखना है, अच्छा तो उसका फोर्थ है पल का फ्लाक, क्योंकि उसमें उसने मिलते जुलते नहीं पूछा था, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहिए जुल्म सितम, तो ये उसकी जमा नहीं है, जुल्म की जमा क्या हो जाएंगी, इजलाम नहीं होगी, जालिम हो या फिर उसी तरह से, इसमें पीट, इसमें आपको पहले एक वो भी बनाया हुआ है पूरा वाहिद जमा का सारा, तो मजाली मजलूम वैसे तो होता है, हाँ सब मजालिम सहे ना, इस तरह ये जालिम की जमा क्या होंगी फिर, मजाली नहीं तो दोनों चीजें नहीं हो सकती ऐसे, जाली तो की एग्जाम ये हो गया अभी का ये 2013 वाला, अब उसके बाद हम चलेंगे 10 मिनट से, एक और लिंक भेजेंगे तो वो अगला सेशन करेगा 2016 का। जल्दी।